क्या निशा शिवराज सिंह के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बांगरे के संगठन में जरूरत है। छतरपुर की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर आखिरकार विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशा बांगरे के इस बार चुनाव लड़ने के सस्पेंस को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निशा बांगरे इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद कमलनाथ ने मंच से ऐलान किया कि निशा बांगरे इस बार भले ही चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन उनकी जरूरत कमलनाथ को प्रदेश में है। दरअसल निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें आमला सीट से उम्मीदवार बना सकती है। बांगरे अपने चुनाव लड़ने की इच्छाओं और उन पर कमलनाथ के विचार जानने के लिए उनके घर पहुंची थी। इसके बाद जानकारी मिली कि कमलनाथ उन्हें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे। राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई कि कमलनाथ इसी दौरान उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि निशा बांगरे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ ने मंच से निशा बांगरे को संबोधित करते हुए कहा, आप उदाहरण बनेंगे, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। आज आप सबको कहता हूँ कि निशा बांगरे जैसी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन महिलाओं को भी लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।